सर, आज जो पेपर में आया है इसका लबोलुआब क्या है, आप कैसे देखते हैं इसे? ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे किसी ने भी सोचा कि हम घर बनाएंगे, तब तक चारों ओर हल्ला हो गया कि भाई वो घर किराए पे दे रहे हैं। कि जो पुरानी बहालियां हैं पुलिस पद पे, उनका जो है एक समय के बाद जो है टाइम बाउंड के बाद एसी भी लगता है, उनका वेतन वृद्धि होता है, उनको प्रमोशन मिलता है। तो पहले वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ये पद सृजित करेंगे, उसके बाद ये कैबिनेट में भेजेंगे, फिर वहाँ पे मुहर लगेगी, उसके बाद अधिसूचना जारी होगी। अब देखिए इसमें कितनी एक अवैज्ञानिक बात लिखी है, 23,000 दरोगा और 35,000 पुलिस, ये कभी कॉम्बिनेशन होगा क्या? कम से कम अगर होगा तो 23,000 पे कम से कम, मतलब एक दरोगा पे कम से कम तो 5 पुलिस होंगे। अरे कहाँ शुरू होगी, ये 6500 कौन लोग हैं? ये रोस्टर क्लियरेंस वाले हैं, ये जो है छात्रों के लिए नहीं है, ये जो रोस्टर क्लियरेंस जिनका होने वाला है उनके लिए है। तो एकाएक 12,500 का बहाली आ जाएगा या इसमें भी फेज बाई फेज में आने की संभावना, और कैसे देख रहे हैं सर? पॉजिटिव खबर छात्र सुनना चाहते हैं सर। तो ये मुख्यालय में और इस तरह की हलचल होनी शुरू हो रही, ये छात्रों के लिए बहुत पॉजिटिव है। ये छात्र बेचारे बड़े मासूम हैं, हम चूंकि टीचर हैं, हमारे पास कंटिन्यूअस फोन आते रहते हैं, बच्चे मिलते रहते हैं कि सर आप ऐसी बात कह रहे हैं, हमको थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है। मनोबल डाउन इसे नहीं कहते हैं, होता है क्या है कि ये मालूम है भैया पढ़ाई करनी है, हम अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्लियर ये कहिए कि भाई 6 महीने या 8 महीने बाद बहाली आएगी, लेकिन आपको हर महीने हम कहते रहे कि बस हम आ रहे हैं, बस हम पहुंच रहे हैं, बस आ रहे हैं, और आप नहीं आते हैं, तब मनोबल डाउन होता है। यही बहुत सारे जो है टीचर, यही बहुत सारे जो है यूट्यूबर, देखिए दरोगा की कभी भी बहाली आएगी ना तो 2 से 2,500 के बीच में ही आएगी, इससे ज़्यादा बहाली एक बार में वो नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने कई बार कहा ना कि बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्रशासनिक कारण भी होते हैं। किसी भी हाल में ये जो है जनवरी के लास्ट तक तो संभव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। आज हिंदुस्तान समाचार पत्र में पुलिस में भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल आया, फ्रंट पेज पे आया, दिया है कि 62,000 पुलिस कर्मियों की, जिसमें 23,000 दरोगा हैं और 35,000 सिपाही समेत अन्य पदों पर अगले साल तक बहाली होगी। आपको हम बता दें कि हमने पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से बात की और उनका कहना है कि देखिए अभी ये प्रोसेस में है, अभी तक पूरी तरह से मामला जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि पेपर में आ गया है। हमारे साथ हैं रमांशु सर, हैं इनसे हम बात करेंगे। कारण भी है इनसे बात करने का, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो कि पिछले साल जुलाई से, इस साल जुलाई से कह रहे हैं कि इस साल दरोगा की बहाली आने की संभावना नहीं है, और इस पर मोहर लगते हुए आज दिख रहा है, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई तैयारी इससे संबंधित नहीं कर रखी है। हमारे साथ रमांशु सर हैं। सर, आज जो पेपर में आया है इसका लबोलुआब क्या है, आप कैसे देखते हैं इसे? आदेश जी, मैंने उस समय आपको बताया भी था, और देखिए आज हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ कि बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों की जो है बहाली होगी। अब ये न्यूज़पेपर वाले बहुत सारे ऐसे शब्दों का यूज़ कर देते हैं ताकि जो है छात्र या बहुत आम जनता नहीं समझ पाती, और फिर इसमें ये हवाला देंगे, फिर पुलिस अधिकारी की फ़ोटो छाप देंगे, फिर जो है अनुमान बता देंगे, फिर लगभग लिख देंगे, फिर संभावित लिख देंगे। ये सब ऐसे शब्द हैं जो अनुमान होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे किसी ने भी सोचा कि हम घर बनाएंगे, तब तक चारों ओर हल्ला हो गया कि भाई वो घर किराए पे दे रहे हैं। अभी तो घर जमीन खरीदी नहीं गई, अभी घर बना नहीं तो किराए पे कहाँ से दिया जाएगा। तो वही बिल्कुल इसमें हो रहा है। इसमें अगर आप न्यूज़ को पढ़ेंगे तो पुलिस अधिकारी का एक फ़ोटो देखिए इसमें क्या दिया गया है। स्पष्ट रूप से लिखा गया कि सिपाही के रिक्त करीब 65,000 पदों पर रोस्टर क्लियरेंस के बाद बहाली की अधियाचना भेजी जाएगी। मतलब क्या हुआ, रोस्टर क्लियरेंस क्या होता है, थोड़ा सा आम जनता को और छात्रों को बता दें कि जो पुरानी बहालियां हैं पुलिस पद पे, उनका जो है एक समय के बाद जो है टाइम बाउंड के बाद एसीपी लगता है, उनका वेतन वृद्धि होता है, उनको प्रमोशन मिलता है। तो पहले वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ये पद सृजित करेंगे, उसके बाद ये कैबिनेट में भेजेंगे, फिर वहाँ पे मुहर लगेगी, उसके बाद अधिसूचना जारी होगी। अब क्लियरेंस क्लियर होने में ही कम से कम 2 महीना लगेगा, दिसंबर जनवरी इसी में चला जाएगा, वो भी अगर कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं आया तो। क्यों? क्योंकि पुलिस के बहुत से ऐसे मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रमोशन होते हैं जिसमें कोर्ट आ जाता है, तो इसलिए इसी चीज़ में लग जाता है कम से कम 2 महीने। उसके बाद ये पदों को भेजेंगे। अब देखिए इसमें कितनी एक अवैज्ञानिक बात लिखी है, 23,000 दरोगा और 35,000 पुलिस, ये कभी कॉम्बिनेशन होगा क्या? कम से कम अगर होगा तो 23,000 पे कम से कम, मतलब एक दरोगा पे कम से कम तो 5 पुलिस होंगे। कभी आज ऐसा हुआ है आज तक कि जो है 2,000 दरोगा की बहाली निकली हो और 3,000 जो है पुलिस की बहाली निकली हो? अगर 2,000 दरोगा की बहाली की बात होगी तो कम से कम 10,000 पुलिस की बहाली होगी, और यही हमेशा कॉन्टिन्यूस होती रही, यही एक रेशियो भी है। तो अब इसमें इन्होंने जो बातें सारी की सारी लिखी हैं, अब उसमें लिखा हुआ है
कि दिसंबर या जनवरी महीने में सिपाही के रिक्त 65,000 पदों पर बहाली की शुरू होगी। अरे कहाँ शुरू होगी, ये 6500 कौन लोग हैं? ये रोस्टर क्लियरेंस वाले हैं, ये जो है छात्रों के लिए नहीं है। ये जो रोस्टर क्लियरेंस जिनका होने वाला है उनके लिए है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये उनके लिए बात कही गई है। और फिर इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी, 62,000 नए पदों पर बहाली होगी। 62,000 नए पदों पर बहाली नहीं होने वाली, ये 62,000 पद क्रिएट किए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे, फिर उसमें क्रमबद्ध ढंग से उसकी बहाली होगी। इसलिए ये कह देना कि दिसंबर जनवरी में बहाली आ रही है, ये इन्होंने गलत सेंटेंस लिखा है। सर सबसे महत्वपूर्ण उसमें है 23,000 दरोगा की बात की गई है, आधा जो है प्रमोशन के आधार पर, जो हवलदार हैं एएसआई है वो प्रमोट करके बनेंगे और आधा जो है सीधी भर्ती पर होंगे। तो क्या ये 12,500 के आसपास होता है, तो एकाएक 12,500 का बहाली आ जाएगा या इसमें भी फेज बाई फेज में आने की संभावना, और कैसे देख रहे हैं सर? पॉजिटिव खबर छात्र सुनना चाहते हैं सर हम। देखिए इसमें पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी ये है कि मैंने कहा था ना कि अभी जो है किसी प्रकार की हलचल जो है मुख्यालय में चाहे इस तरह नहीं हो रही है, तो ये मुख्यालय में और इस तरह की हलचल होनी शुरू हो रही, ये छात्रों के लिए बहुत पॉजिटिव है कि कम से कम ये बातें होने लगी कि पहले ये क्लियर करें। देखिए जो भी छात्र जब नौकरी पा जाता है तो उसके बाद उसका एक ये भी रहता है कि हमें समयबद्ध तरीके से हमारा जो है वेतन वृद्धि हो, हमारा प्रमोशन हो। हर कोई शुरुआत में तो जब तक नौकरी नहीं मिली होती हम नौकरी सोचते हैं, नौकरी मिल जाने के बाद ये प्रक्रियाएँ शुरू होती हैं। तो जो बच्चे पहले से भरे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हमारा भी प्रमोशन होना चाहिए, तो इसलिए सरकार प्रमोशन उनका करती है, तो पहले उसको क्लियर करेगी। अब 12,500 वो भी एक बार में उनका भी प्रमोशन नहीं होगा, ये पुलिस भी जानती है, ये सरकार भी जानती है। लेकिन होता क्या है ना, ये छात्र बेचारे बड़े मासूम हैं, हम चूँकि टीचर हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ़ोन आते रहते हैं, बच्चे मिलते रहते हैं कि सर आप ऐसी बात कह रहे हैं, हम लोग का थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है। मनोबल डाउन इसे नहीं कहते हैं, होता है क्या है कि ये मालूम है भैया भाई पढ़ाई करनी है, हम अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्लियर ये कहिए कि भाई 6 महीने या 8 महीने बाद बहाली आएगी तो हम निश्चिंत रहेंगे, 8 महीने जम के पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, अगले महीने आ रही है, पढ़ना नहीं शुरू किया, और जब नहीं आती है ना तब लड़कों का मनोबल डाउन होता है। आपको हम बता दें कि हम आपसे 8 महीने बाद मिलेंगे तो आपका मनोबल डाउन नहीं होगा, लेकिन आपको हर महीने हम कहते रहे कि बस हम आ रहे हैं, बस हम पहुँच रहे हैं, बस आ रहे हैं, और आप नहीं आते हैं तब मनोबल डाउन होता है। यही बहुत सारे जो है टीचर, यही बहुत सारे जो है यूट्यूबर कर रहे हैं। अनुमान क्या लगा रहे हैं कब तक आएगा, और 12,500 अगर मान ले अगर है ये, तो कितना उसमें से बहाली की प्रक्रिया कब तक शुरू कर दिया जाएगा? देखिए दरोगा की कभी भी बहाली आएगी ना तो 2 से 2,500 के बीच में ही आएगी, इससे ज़्यादा बहाली एक बार में वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार कहा ना बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्रशासनिक कारण भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लड़के सिलेक्ट होंगे तो इनका ट्रेनिंग भी तो होगा ना, तो क्या ट्रेनिंग के पास ट्रेनिंग में राजगीर में इतने बच्चों को 10,000 बच्चों को रखा जा सकता है? नहीं। तो एक बार में, और पुलिस की ट्रेनिंग 1 महीने की तो होती नहीं है, दरोगा की ट्रेनिंग कम से कम आपको साल भर लगता है, कम से कम। तो साल भर ट्रेनिंग के लिए आपके पास साल भर का जगह होना चाहिए। राजगीर जो पुलिस एकेडमी है वहाँ पर नॉर्मली 2 से 2,500 लोग एक बार में आ सकते हैं, तो इसलिए जब भी वैकेंसी ली जाएगी तो 2 से 2,500। और रही बात जो है नवंबर दिसंबर और जनवरी की, तो पहले ये रोस्टर क्लियरेंस होगा, ये सरकार के पास पद को भेजेंगे, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रक्रिया भर्ती की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, ये जो है नोटिफिकेशन निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो किसी भी हाल में ये जो है जनवरी के लास्ट तक तो संभव नहीं है, होली तक क्या लग रहा है? हाँ, लेकिन ये जरूर है, देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ, बच्चे जो है उसको निगेटिव लेते हैं, कई बार मैं कह चुका हूँ वैकेंसी निकलेगी। क्यों निकलेगी? कि बिहार सरकार को और बिहार राज्य को बहुत सारे पुलिस और दरोगाओं की आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आवश्यकता है। लेकिन जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर होता है, और राजनीति जानते हैं कि जब भी होगा तो वो अपने लाभ देखेंगे ही, और अभी उनको कोई इस तरह का लाभ दिख नहीं रहा है। छात्रों की फ़ायदा हमेशा सरकार बाद में देखती है, अपना लाभ पहले देखती है, तो अपने लाभ के अनुसार ही निकालेंगे। तो हो सकता है कि जनवरी के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो और फरवरी या मार्च तक आने की संभावना होगी। ये नहीं हम कहेंगे कि आ रही है एकदम लग जाइए आप, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ये जान जाइए कि जब वैकेंसी आएगी और उस दिन से आप लगेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कम से कम 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी है ताकि जब वैकेंसी आए तो आपकी तैयारी पूरी रहे, सिर्फ रिवीजन और टेस्ट का काम रह जाए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखा जाए तो ये खबरें जो आई हैं, और सर ने भी बताया और हमने भी बात किया जो पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि देखिए अभी इस पर विचार चल रहा है, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट खबर नहीं है, इसमें बहुत सारे फेज अभी होने बाकी हैं। तो ले देकर ये है कि दरोगा की बहाली आएगी, अब अगले ही साल आएगी, फरवरी मार्च तक संभावना है कि 2,500 के आसपास दरोगा की बहाली हो,
और सिपाही की बहाली जो है वो भी जनवरी फरवरी तक उसके भी नोटिफिकेशन आने की संभावना बन रही है। हलचल शुरुआत हो गया है, ये सकारात्मक खबर है। जबकि आपको बता दें पिछले 7-8 महीनों से इसको लेकर कोई बात भी न पुलिस हेडक्वार्टर में न सरकार के सामने नहीं चल रही थी, लेकिन अब चलनी शुरू हो गई है। तो हम आशा करेंगे काम को तेज़ी से किया जाए और जल्द से जल्द दरोगा और सिपाही की बहाली अगले साल शुरुआत में ही जारी कर दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।